नाजरीन, आप देख रहे हैं सराकी न्यूज एचडी। मैं आपकी होस्ट सना सराकी, खबर से आपको अपडेट करते चलूं। डिप्टी ब्यूरो चीफ अब्दुल गफ्फार राजनपुर, चेयरमैन कायम कमेटी ब्राय लोकल गवर्नमेंट सरदार फरूक अमौला त्रिशा की जेर सदारत पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरामीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से इजलास। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर कायम हुकूमत अपोजिशन पर मुश्तमिल 23 रुकनी कमेटी इजलास। कमेटी में तहरीके इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, पीपल्स पार्टी और राह हक के इरकान शामिल। इजलास में कायम कमेटी ने बल्दियाती ऑर्डिनेंस का एक बार फिर तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में सूबाई वजीर खारजा बिशारत मियाँ महमूद रशीद, मियाँ असलम इकबाल और पार्लिमानी सेक्रेटरी अहमद खान की इजलास में शिरकत, जबकि दीगर इरकान में पार्लिमानी सेक्रेटरी साजिद भट्टी, मोहम्मद माविया आजम, मलिक मोहम्मद अहमद खान, सरदार अवैस लगारी, चौधरी शफीक अनवर, चौधरी साजिद महमूद, रमजान भट्टी, जफर इकबाल, सैयद हसन मुर्तजा समेत दीगर अरकान ने शिरकत की। हमें एक ऐसा बल्दियाती निज़ाम लाना चाहिए जिससे दही और शहरी आबादी को इनकी बुनियादी जरूरत की दहलीज पर हल हो। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी लोकल गवर्नमेंट सरदार फरूक अमौला खान त्रिशक, तमाम अरकीन कमेटी बिल की एक एक कॉल्स पर अपनी मस्बत राय दे। चेयरमैन कमेटी लोकल गवर्नमेंट पंजाब सरदार फरूक अमौला खान त्रिशक ने बिल को हतमी शक्ल देने के लिए कमेटी का अहम इजलास कल 12 जनवरी बरोज बुध 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सराकी न्यूज़ एचडी चैनल को। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें।